सभी देवी देवताओं का नवरात्रि के अवसर पर मां शाकंभरी और बाला त्रिपुर सुंदरी के इस धाम में आगमन होता है यहां देवी के दर्शन करने के लिए। और इस अवसर पर आप सबके कारण मुझे भी गंगोह में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सहारनपुर आता हूं तो सहारनपुर में अब विकास हो रहा है, अब दंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है, भय और दहशत भी नहीं है, बल्कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़ करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए एक विकसित सहारनपुर बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। दिल्ली शामली सहारनपुर का जो हाईवे है या दिल्ली से देहरादून के बीच ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है वह इस विकास की धुरी बनने जा रही है। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे इस सहारनपुर में? मां गंगा और मां यमुना की कृपा थी, असीम कृपा, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, यहां का मेहनती किसान, जिन अन्नदाता किसान और जिन यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की कारीगरी के सामने दुनिया फेल थी, जिन अन्नदाता किसानों को स्वतंत्र भारत में पहली बार सम्मान देने का काम किया था, इसी माटी के लाल किसान नो के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने द्वारा किसानों के हितों में किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया है। बहनों और भाइयों, इन मेहनतकश किसानों, श्रमिकों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों के सामने दुनिया फेल थी, उन लोगों को उपेक्षित छोड़ दिया गया था। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सरकारों की दंगा पॉलिसी के शिकार हो गए थे, यहां का विकास बाधित हो गया था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था, नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, और जातीय खेमों में बांट करके लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। और दुष्परिणाम क्या हुआ? कभी देश गुलाम हुआ, कभी हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए आस्था के केंद्र तोड़े गए, कभी कावड़ यात्रा पे रोक लगाई गई, कभी सिख विरोधी दंगे होते हैं, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति अपने आप को यानी सुरक्षित महसूस तो नहीं करता था। और जिस सहारनपुर में असीम संभावना थी, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा थी कि वह शिक्षा के केंद्र के रूप में काशी की तर्ज पर विकसित हो, उसको मजहबी उन्माद और फतवों का शहर बना करके रख दिया गया। ये है देश के खिलाफ साजिश करने वालों की करतूत। ये लोग
किस प्रकार की करतूत करते थे, जिसमें संभावना थी अन्नदाता किसानों को के माध्यम से देश को दुनिया की एक ताकत बनाने की। जिन हस्तशिल्पी और कारीगरों में ताकत थी कि दुनिया का सबसे अच्छा कारीगरी दिखा करके वे भारत का नाम दुनिया के सामने करें, जिन नौजवानों के अंदर एक जज्बा था कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं, जिन व्यापारियों में ये हौसला था कि दुनिया को अपने में समेट सकते हैं, इन सभी को एक एक करके दरकिनार करके मजहबी उन्माद का केंद्र सहारनपुर को बना दिया गया। और बहनों और भाइयों, गंगो भी उससे वंचित नहीं था। मुझे याद है 2016 में जब सिख विरोधी दंगे हुए थे यहां पर, आपने देखा नहीं इससे पहले क्या होता था, किस प्रकार की अराजकता फैलती थी। जब कांवड़ यात्रा में बैन लगता था तब तो कोई जातिवादी संगठन नहीं आता था, सबके मुंह सिल लिए जाते थे, क्योंकि तब की सरकारें जिन गुंड और माफियाओं के ऊपर संरक्षण देती थी, जिन मजहबी ताकतों के सारे पर कार्य करती थी, जिनके सामने घुटना टेक करके उस समय कार्य करती थी,